नमस्कार, मैं ममता जीवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। सांगली में समतावादी महासंघ के जिला महानगर पालिका क्षेत्र कार्य अध्यक्ष पद पर मोहन बागमारे की नियुक्ति की घोषणा महासंघ की मीटिंग में की गई। सांगली के संजय नगर में समतावादी महासंघ की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस दौरान समतावादी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विजय चांदनी, राज्य कार्यकारिणी संदीप ठुमरी, राज्य संगठक गणेश माने आदि मान्यवर लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहन वाघमारे ने कहा कि इस वक्त राज्य और भारत देश को शाहू फूले अम्बेडकर, अन्ना भाऊ, उनकी परिवर्तनवादी विचारों की जरूरत है। आज सांगली संजय नगर येथे सांगली मिरज कोपवाड शहरातील या तिन्ही महापालिका क्षेत्राची निवडीच्या निमित्तानं बैठक झाली। सांगली मिरज कोपवाड महापालिकेच्या कार्याध्यक्षपदी संजय नगर येथे राहणारे आमचे मोहन वाघमारे उर्फ अण्णा यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन त्यांची ह्या समतावादी महासंघाच्या सांगली कोपवाड मिरज महापालिका क्षेत्राच्या कार्याध्यक्षपदी आज निवड केलेली आहे। त्यांना समतावादी महासंघाची ध्येयधोरणानुसार काम करण्याच्या आम्ही शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। या बैठकीला आमचे राज्य कार्याध्यक्ष संदीप दादा ठोंबरे, राज्य संघटक गणेश दादा माने, सांगली जिल्ह्याचे अध्यक्ष अतुल चव्हाण, गॅब्रियल तिवडे आणि इथले बरेच मंडळी शेकडो कार्यकर्ते इथं या बैठकीत उपस्थित होते आणि सर्वांमध्ये त्यांची आज निवड झालेली आहे मोहन वाघमारे यांची। त्यांना आम्ही समतावादी महासंघाच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांची निवड झाली आज असं मी जाहीर करतो। और उनके विचारों पर काम करने वाली राज्य के एकमात्र समतावादी महासंघ की सांगली मिरज महानगर पालिका के कार्य अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति हुई है, मैं उसे सफल साबित करूंगा। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। सोलापुर में ट्रिपल तलाक बिल के विरोध में हजारों की तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पूरे भारत देश में जिस तरह ट्रिपल तलाक का मामला फिर से गरमाया नजर आ रहा है, इस ट्रिपल तलाक के मामले पर मुस्लिम महिलाएं कहती है कि इस्लामी शरीयत जो कहती है वह हमें मंजूर है, यह तलाक के मामले में शासन ने लिए गए निर्णय को रद्द किया जाए। इन मुद्दों का विरोध करते हुए सोलापुर शहर में मुस्लिम पर्सनल लॉ मजलिस सोलापुर यूनिट की ओर से महिलाओं ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर ट्रिपल तलाक के बिल का विरोध किया। इसी के साथ राष्ट्रपति कोविंद ने लोकसभा में संबोधित उनके बयान में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, मेरी हुकूमत में यह बिल पास करके उन मुस्लिम महिलाओं पर एहसान किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरा नाम आयशा शेख है। तो आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एहतजाज किया जा रहा है उसके लिए हम सब खवातीन यहाँ पर जमा है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि तीन तलाक का जो मसला है, ट्रिपल तलाक, उसको लोकसभा में बिल पास किया गया है, लेकिन हम उसको राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि वो राज्यसभा तक न पहुंचे, क्योंकि हम सब मुस्लिम खवातीन, हमारी शरीयत हमको पसंद है, हमारी जो इस्लामी शरीयत है उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। जो हम आज देख रहे हैं कि तीन तलाक का जो मसला जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीन तलाक 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 बोलने से तलाक नहीं हो जाता और इस्लाम में इसकी इजाज़त भी नहीं है ऐसे तलाक की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में 24 लाख लोग जो है घसीटे जा रहे हैं और उसमें जो है 22 लाख गैर मुस्लिम हैं और 2 लाख मुस्लिम खवातीन हैं, जो कि तलाक नहीं होने की वजह से आज उनकी ज़िंदगी अधेड़ बनी हुई है, ना वो तलाक दे सकती है ना अपने शोहर से छुटकारा पा सकती है, क्योंकि छुटकारा न पाने की वजह से आज नतीजा ये हो रहा है कि वो खुदकुशी, कत्ल, गारतगिरी पर उकसाया जा रहा है, इससे जो क्रिमिनल केस बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इस्लाम में औरत को हक दिया गया है खुला का, कि औरत अपने शोहर को अगर नापसंद करते हैं, यानी अगर शोहर शराबी है, मारपीट करता है, वो अपने शोहर के साथ नहीं निभाना चाहती, तो औरत को पूरा हक दिया गया है कि वो खुला ले सकती है। तो हमारे से ये हमारा हक छीना जा रहा है,
तो हमें ये पसंद नहीं है कि जो तीन तलाक का मसला है वो बिल्कुल गलत है। हमको इस्लाम में पूरी आज़ादी दी गई है, जैसे कि इस्लाम में औरत को पूरा हक दिया गया है कि जब औरत माँ इस्लाम में औरत को जो हक दिया गया है वो दूसरे कोई भी मजहब में नहीं है। औरत के माँ के कदमों के तले जन्नत बताया गया है। मैडम अभी आप ये बताओ, आप यहाँ पे जमा हुए सब औरत, तो क्या वजह है आप सोलापुर में इतने भारी संख्या में जमा हुए इकट्ठे हुए? ये यही वजह है कि हम लोग हमारी जो शरीयत इस्लाम है उसको नाफिज करना चाहते हैं। हम हमारी शरीयत से खुश हैं और हमारे कानून को हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि इस्लाम में औरत को चार हक दिए गए हैं। एक तो माँ बाप उसको विरासत में हक देते हैं, दूसरा उसका शोहर की तरफ से उसको विरासत में हक मिलता है, तीसरा उसके भाई की तरफ से विरासत में हक मिलता है और बेटे की तरफ से भी उसको मिलता है। तो इस तरह से औरत पूरे सपोर्ट में है इस्लाम की वजह से। और ट्रिपल तलाक को जो आपका विरोध है, अगर ये तलाक का मसला अगर वापस नहीं लेंगे आपको क्या एहतियात रहेगा आगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोलापुर यूनिट की तरफ से मजलिस तहफ्फुज़े शरीयत सोलापुर, इसके तरफ से आज का ये धरना आंदोलन आयोजित किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो है हमने औरतों को यहाँ पर जमा किया हुआ है और हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर आज औरतें जमा हुई है, और इन सब का एक ही मुद्दा और एक ही आवाज़ है कि फिलहाल पिछले इसमें लोकसभा में जो मुस्लिम तलाक का जो बिल लोकसभा में जो पारित किया गया है उस बिल को जो है ये कहती हैं कि हम बिल्कुल उसको मानने वाले नहीं हैं और सरकार को ये बिल जो है बिल्कुल जैसे उन्होंने लोकसभा में लाए हैं वैसा इसको वापस लिया जाना चाहिए। एक पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि माँ महीन राष्ट्रपति जी ने जो अपने भाषण में एक जो बात कही लोकसभा को संबोधित करते हुए कि आज तक जो है मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, उन पर अत्याचार हो रहा था, मेरी हुकूमत ने एक ये अध्याय और ये बिल ला करके जो है उन पर एक एहसान किया है, ये जो उन्होंने जुमला जो कहा है ये इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और ये इस्लाम मजहब और धर्म के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा घिनौना एक उनका हमला है। ये हमले को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से और खुद उनसे ये कहते हैं कि वो अपने बयान को वापस ले, और अगर ये ड्राफ्ट अगर तैयार हो रहा है तो उनका ये जुमला जो है उनको वापस लेना चाहिए। ये दो मुद्दों को लेकर के आज सोलापुर की हजारों की तादाद में जो है महिलाएं यहाँ पर रोड पर आई हुई है और मर्द हजरात भी आए हुए है। ये धरना आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में सोलापुर यूनिट की तरफ से लिया जा रहा है। अगर ये मसला वापस नहीं लेंगे तो आपके क्या एहतियात? अगर इसका ये मामला अगर वापस नहीं लेगी अगर गवर्नमेंट, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो अभी ये है कि हम जो है पुरअमन तरीके से औरतों को रस्ते पर ला करके ये बात उनको समझाएं और वो बताएं और वो आकर के इसको समझें, और अगर इसके बावजूद भी अगर लोकसभा से अगर राज्यसभा में अगर ये बिल अगर पारित होता है तो फिर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वरिष्ठ जो कार्यकारिणी है उनके आदेश के हम इंतजार में हैं और वेट में हैं। वो इसके बाद में जो आदेश हमको देंगे जो ऑर्डर देंगे उसके लिए पूरे सोलापुर की एक एक घर की एक एक औरत रोड पर आने के लिए आज सक्षम है। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में इतनी कड़ी धूप में जो है औरतें यहाँ पर रोड पर आकर के ये साबित कर रही है कि शरीयत और इस्लाम ने जो हमें हक और अधिकार दिया है ये हक और अधिकार हमारे लिए काफी है, गवर्नमेंट की किसी भीख की और खैरात की हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एहतजाज कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है? ऐसा एहतजाज अब तक जो है मालेगांव में, धुलिया में, नंदुरबार में, अकोला में, जलगांव में, कई जगहों पर हुआ और आज सोलापुर में हो रहा है और आगे जो है पूरे देश भर में अपनी अपनी सहूलत की वजह से के तहत में जो है होता रहेगा। इस बयान के बाद मौलाना हारिस जमीयत उलमा ने हिंद सोलापुर शहर के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति द्वारा इस्लाम के ऊपर हमला किए जाने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति ने दिए गए बयान में जो मुस्लिम महिलाओं पर एहसान जताने की बात की है उस एहसान जताने की बात को वापस लिए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र के सोलापुर से जुल्फिकार वड्डो की रिपोर्ट। रामपुर में जमीन खरीदी के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा काश्तकारों को धमकाने का मामला सामने आया है। आइए दिखाते हैं हमारी एक रिपोर्ट। जिस तरह सरहदों पर पाक अपनी नापाक हरकतें दिखा रहा है और हमारे देश में शहीद अपनी जान देकर रक्षा कर रहे हैं, इसी के उलट पाक नागरिक भारत में आकर अपनी नापाक हरकतें दिखा बेखौफ होकर रामपुर में काश्तकारों को दाऊद इब्राहिम की धमकी से डरा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामपुर से सामने आया है जहाँ कुछ साल पहले काश्तकारों ने कुछ जमीन खरीदी थी जिसको लेकर इनको परेशान किया जा रहा है। यह पाकिस्तानी नागरिक कश्तकारों पर दबाव बनाकर
जमीन हड़पने को लेकर यह षड्यंत्र रच रहा है, जिसकी गुहार लेकर कष्टकार रामपुर पुलिस से मिले। मामला रामपुर के थाना गंज क्षेत्र का है, जहां कुछ समय पहले कष्टकार अजर मियान आदि ने कुछ जमीन खरीदी और सारा पेमेंट कर दिया। जी, क्या नाम है आपका और आज आप यहां कप्तान साहब से क्यों मिलने आए हैं? मेरा नाम अजर मियां है। हमने एक जमीन खरीदी थी तकरीबन 7 साल पहले, तो हम कई बार उस जमीन को लेके हमने शिकायत की। हमने उसके पैसे तो सब दे दिए थे, रजिस्ट्री के लिए जब हम कहते थे तो ये कहते थे कि हम भी करा देंगे, हमारे भाई आने वाले हैं। उसके बाद जब उनके भाई आते थे तो वो डराते थे, धमकाते थे, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमने कई लोगों को शिकायत इसकी यहाँ पे की, जब हमारी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने ऊपर भी शिकायत की, DGP साहब को लिखा हमने, ADG साहब से जहाँ के खुद मिले, और सारे मंत्रालयों में हमने एप्लीकेशन यहाँ से भेजी। तो आज क्या वजह रही आपकी दोबारा यहाँ आने की? हमने अपने प्रार्थना पत्र में कहा था कि ये पाकिस्तानी नागरिक है और ये हमें परेशान कर रहा है, दाऊद इब्राहिम की धमकी दे रहा है। ये सारी बातें जो इसने हमसे कही थी वो हमने पत्र में लिख के दी थी। अब ये हमसे ये कहता है कि जो तुम्हारी ज़मीन थी, ना वो ज़मीन मिलेगी ना पैसे मिलेंगे, और तुम्हारे ऊपर हम एक मुकदमा और करेंगे जिससे तुम ज़िंदगी भर जेल से नहीं निकल सकते। तो अभी हमें पता जब चला कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो हम ISP साहब से भी कहने आए थे। हमें ये पता चला है कि ये अभी अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा के उसमें हमारी FIR कराना चाहता है, हमारे नाम रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है, और ये जो पाकिस्तानी नागरिक है ये इंडिया में रुकना चाहता है। और जब रजिस्ट्री कराने का समय आया तो पता चला कि जिन लोगों से जमीन खरीदी गई थी उनका एक रिश्तेदार पाकिस्तान में रहता है, और इन लोगों ने षड्यंत्र रच पाकिस्तानी को बुलवाया और उसे कष्टकारों को धमकाना शुरू कर दिया, जिस वजह से कष्टकारों को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। ASP रामपुर सुधा सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। मैम, एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा कुछ काश्तकार हैं जिनका ज़मीन का विवाद है, उसमें लेकर के वो दाऊद इब्राहिम के नाम की भी और वैसे भी लेकर के उनको धमका रहा है, क्या है मैम पूरा मामला? इस संबंध में जो है अभी प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तानी नागरिक जो अभी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे इंडिया आए हुए हैं और अभी शीघ्र ही 23 तारीख के लगभग उनको जाना है, उनके संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो कि धमकाने से संबंधित है, और इस संबंध में मैंने इंस्पेक्टर गंज को और इंस्पेक्टर LIO दोनों को जाँच के लिए लिखा है कि वस्तु स्थिति से अवगत कराएँ, और जिस तरह का जाँच होगी उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, वो मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सुरेश कुमार दिवाकर की रिपोर्ट। संभल में पुराने रंजीश व राशन दुकान के विवाद के चलते बिजली विभाग के एक ठेकेदार की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। संभल के गौनौर कोतवाली इलाके के गांव अकबरपुर में पुरानी रंजिश व राशन दुकान के विवाद में बिजली विभाग के ठेकेदार की दुस्साहिक तरीके से घर में घुसकर हत्या कर दी गई, और वहीं इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद गांव में थाना पुलिस के साथ साथ PAC को भी तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस आधा दर्जन लोगों ने निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वही हमलावरों की गोलियों का शिकार होने के बाद 100 प्रहलाद लहूलुहान हो गए। ऐसे में डरे सहमे परिवार के लोगों ने हमलावर के जाने के बाद 100 प्रसाद को देखा तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक छोटी उम्मीद के चलते उसे उठाकर गन्नौर CHS लाया गया, मगर वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खुलेआम इस तरह से हत्या की वारदात से गांव में दहशत व तनाव का माहौल बना हुआ है। एक मर्डर की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची जी, तो जानकारी मांग के शिव प्रसाद यादव, उनकी वल्दियत भूरे यादव है जी, और इनको कुछ लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी है। रंजिश में प्रथम दृष्टया मामला कुछ भूमि विवाद है और कुछ राशन की दुकान को लेकर के विवाद है, उसी कारण से हत्या की गई है, और परिवारजन तहरीर के लिए थाने पर गए हैं। किन किन लोगों को नामजद करेंगे वो जानकारी बताएंगे, और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दबिशे के लिए कई पार्टियां निकाल दी गई। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिए PSC और थाने का स्थानीय फोर्स भी लगाया गया है, ताकि कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए जी।
सूचना मिलने पर गन्नौर पुलिस के साथ साथ पीएसए मौके पर पहुंच गई। वहीं सीओ सुदेश कुमार का कहना है कि गांव में सौ प्रसाद के परिवार की कई सालों से रंजिश के साथ राशन की दुकान को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते हत्या हुई है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं तनावपूर्ण हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस पीएसी बल को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के संबल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। देखिए एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। आशा के दीप जलाती वो आशा ही कहलाती वो नारी है, नारी को समझे मातृत्व की बात बताती वो। कभी राह चलते चलते कभी खुल के बातें करती वो। स्वस्थ बच्चे हों हर आंगन आशा ये ले आती वो। जननी सुरक्षा की बातें जन जन को समझाती वो। सही समय पर सही सलाह और उपचार दिलवाती वो। स्नेह सभी का पाती वो। राह उचित दिखलाती वो। आशा है नव भारत की आशा ही कहलाती वो। स्वस्थ भारत के निर्माण में ये है इनका योगदान। और आपका? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जालौन में रेगड़ समाज युवा विकास समिति के युवा कार्यकर्ताओं ने उचित समय पर रक्तदान कर एक महिला की जान बचाई। आइए दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। जालौर जिले के भीनमाल उपखंड में रेगड़ समाज युवा विकास समिति के युवा कार्यकर्ता सुरेश कुमार सुखाड़िया ने सर्वोदय हॉस्पिटल में पहुंचकर एक महिला को रक्तदान कर उसकी जान बचाई। जानकारी देते हुए रेगर समाज के युवा रक्तदान प्रभारी राकेश कुमार सुखड़िया एवं समिति का युवा अध्यक्ष दीपक सुखड़िया ने बताया कि रक्तदान करने से पूर्व महिला श्रीमती शारदा देवी पत्नी अशोक कुमार वाल्मीकि का हीमोग्लोबिन मात्र 3 ग्राम था एवं उसकी हालत बहुत खराब थी। इस कारण हमारे समाज के युवा रक्तदान सुरेश कुमार सुखाड़िया के पास फोन आने पर वह तुरंत रक्तदान करने के लिए तैयार हो गए एवं पीड़िता महिला की जान बचाई। राजस्थान के जालौर से ओम प्रकाश खोरवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्वाभिमान यात्रा का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ। वही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सीएम पर तंज कसे। स्वाभिमान यात्रा का तीसरा चरण हुआ प्रारंभ। बिलासपुर के बस्ती बगरा आम गांव से शुरू हुई इस यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक कांग्रेस गौरेला के अध्यक्ष अमोल पाठक के द्वारा हुआ, जिसमें मुख्य रूप से पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलराज पांडे, जिन्होंने आदिवासियों की तारीफ करते हुए कहा कि आदिवासियों के स्वाभिमान की यात्रा है। पहले जी, जैसा कि गौरेला ब्लॉक की पदयात्रा चल रही है, आज इस पदयात्रा में शामिल हुए बिलासपुर से आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं डॉक्टर रमन सरकार के द्वारा, उसके कारण ये स्वाभिमान यात्रा निकालनी पड़ी है ताकि आदिवासियों के अधिकार की रक्षा हो सके, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सके, इसके लिए यह स्वाभिमान यात्रा निकाली गई है। दूसरा एक विषय ये भी है कि यहाँ पर एक नकली आदिवासी जो है विधायक बन के बैठा हुआ है, उस नकली आदिवासी का चेहरा जो है वो सबको जनता के सामने आना चाहिए और असली आदिवासी को यहाँ पर इस बार लाना है। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है कि आदिवासियों की रक्षा करने के लिए वह ये कार्य जरूर करेगी और उन्होंने इसके कारण ही ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकाल दिया है ताकि वो छत्तीसगढ़ का नुकसान कर रहे थे, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे और उनको धोखा दे रहे थे। क्षेत्र का नेता अगर क्षेत्र की जनता को धोखा देता है तो उसको क्षेत्र से ही नहीं, उसको देश से ही निकाल देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम सब मिलकर यह स्वाभिमान यात्रा का पक्ष लेते हैं और आदिवासियों के हित के लिए यह संकल्प लेते हैं कि हम यह पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक, लोगों तक, युवाओं तक, माताओं बहनों वरिष्ठ जनों और सभी के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक एक कांग्रेस का नेता, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, बच्चा से बच्चा जो है वह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की रक्षा करने के लिए संकल्पित है और कटिबद्ध है। शैलेश जी, जैसा कि यात्रा भी आगे और चल के गौरेला ब्लॉक के भी और आगे मतलब गांव में और नगर पंचायत एरिया में घूमेंगे, तो क्या आप इसमें अपना बहुल में समय आगे भी ऐसे देंगे? निस्संदेह कांग्रेस मेरी पार्टी है, मैं उसके लिए
पूरा समय दूंगा और हमेशा इन लोगों के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा इनके साथ हूँ, इनके साथ हमेशा रहूँगा। आपकी इस पदयात्रा से क्या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बैकफुट पे जाएगी? मैं तो ऐसी पार्टी का नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे हिसाब से तो उसका अस्तित्व ही नहीं है कोई ज़बरदस्ती का। अभी तो कोई वो तो पार्टी बनी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। माननीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी का अगले 50 साल तक कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वो कैसे आज भूल गए हैं कि उनकी पार्टी का अस्तित्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हम आदिवासियों का अधिकार उन्हें दिलाकर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तनवीर आलम की रिपोर्ट। कोरिया में अंतरराज्यीय बाइकर्स लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ, वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने गुनाह को स्वीकार किया। कोरिया में छत्तीसगढ़ के अंतरराज्यीय बाइकर्स लूट गिरोह का पर्दाफाश हुआ। कुछ दिन पहले एक अज्ञात साइकिल सवार युवक के द्वारा बैकंठपुर कोरिया की शशि मिश्रा से पर्स, मोबाइल, एटीएम एवं नकदी रकम की लूट और नागपुर सहायक केंद्र चौकी के अंतर्गत ग्राम मुख्तार पारा में बाइकर्स द्वारा चाकू एवं कट्टे की नोक पर ग्रामीण प्रताप सिंह से 15,000 रुपए की लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला द्वारा क्राइम ब्रांच एवं थाना बैकुंठपुर को निर्देश दिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधिकारी निविदिता पाल के मार्गदर्शन में आरएन पटेल की अलग अलग टीम गठित की गई। प्रत्येक टीम सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता पक्ष से प्राप्त सिसोदिया के हुलिया, लूट में प्रयुक्त बाइक एवं लूटे गए मशरूखा के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। दोनों प्रकरण के लूट का सामान 14,000 रुपए नकदी, नोट 5 मोबाइल, एटीएम। क्या क्या मामले बताएंगे पूरी बात को? लूट की जो अभी हाल में दो घटनाएं हुई, 18 तारीख की शाम को बैकुंठपुर में प्रार्थियां थी, वो शाम को मार्केट से कुछ सामान खरीद के घर वापस जा रही थी, तो उनसे रास्ते में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा उनको रोक कर और उनको धमका कर उनसे उनका बैग छीन के भागे थे। और उसके बाद अगले दिन नागपुर चौकी क्षेत्र में एक ग्रामीण अपने परिवार के साथ नागपुर बाजार में आया हुआ था, वहाँ से उसने ग्रामीण बैंक से 15,000 रुपये निकाले और निकाल के जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसको उसकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने उसको रोका और धमका कर कट्टा और चाकू दिखा के उसके पास जो 15,000 रुपये थे, 14,500 रुपये, 500 रुपये उसने खर्च कर दिए थे, 14,500 रुपये उससे लूट लिए थे। ये दोनों घटनाएं चूँकि लगातार हुई थी और दोनों घटनाओं की मोटर ऑपरेंडी लगभग एक जैसी थी, तो इसमें तुरंत इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच और सभी संबंधित थानों को एक्टिवेट किया गया और शहर में जो घटना हुई थी उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपियों का स्केच, आरोपियों के बारे में उससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई और उसको जब दूसरे और तरीकों से मैच किया गया तो उसके आधार पर सुरागरसी में पता चला कि सूरजपुर में एक लॉज में दो अज्ञात संदिग्ध रुके हुए हैं जो कि इसी खुलिए के लग रहे हैं। वहां जाके दबिश देने पर इन दोनों को वहां से पकड़ा गया और इनके पास से, आरोपियों के पास से एक एयरगन पिस्टल और एक गुप्ती चाकू और दोनों घटनाओं में लूटा गया सामान, मोबाइल, पर्स और नगद रुपये बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक का कुल जुमाल कीमत 150,000 रुपए जब्त किए गए। वहीं आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है एवं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी लूट की घटना घटित करना स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया से नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजपुर में पुलिस ने 500 ग्राम अफीम, 118 किलो चूरा पोस्ट और 500 ग्राम दोड़े समेत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर के कस्बा जीरा पुलिस ने एक बार फिर से भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो नशे की खेप को ट्रक में छुपाकर ले जा रहे थे। उधर इस बारे में और जानकारी देते हुए डीएसपी जीरा जसपाल सिंह ने बताया कि मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ट्रक में नशे का सामान लेकर जाएंगे जो कि इंदौर से अमृतसर की तरफ जाएंगे, जिस पर अमल करते हुए जीरा पुलिस की तरफ से तलवंडी रोड पर गांव गाड़दी वाला पुल के नज़दीक एक नाका लगाया हुआ था, जिस दौरान उन्हें एक ट्रक को शक होने पर रोका और इसकी तलाशी ली तो उसमें से 50 ग्राम अफीम, 2 बोरिया चूरा पोस्त और 56 किलो डोंडे नियार्त किए गए। उन्होंने बताया कि ट्रक सवार ट्रक मालिक सहित मांडो के एसएसपी
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਫੀਮ ਸੀ, ਡੋਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਤ ਸੀ। ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 62 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ 56 ਕਿਲੋ। ਲਕੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਧਰੋ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਭਖਣਾ ਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ, ਤੀਸਰਾ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 42 ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 3 ਲੋਕੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੇਤਨਾ ਮਨੋਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼, ਮੁੰਬਈ। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समय मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश मिलती है। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।